अबे यार शिनचैन और चॉप तो खेलने में लगे हुए हैं और मैं अकेला कंटाल रहा हूँ। एक काम करता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए न्यूज नहीं देखी। चैन से सोना है तो जाग जाओ। हाल फिलहाल में गायब हुआ प्रेसिडेंट का बच्चा, उसे कर लिया गया है किडनैप और किसी को खबर नहीं वो कहाँ पर है। अबे यार ये सब क्या चलता रहता है लॉस सैंटोस में, क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं जाके नहा लेता हूँ, वैसे भी दो तीन दिन हो गए नहाया नहीं हूँ। एक मिनट, अबे वो क्या है, आज ब्लू है पानी 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 पानी। क्या बात है यार, मजा ही आ गया, बस थोड़ा सा और बाकी है और ये भी हो गया। अरे चॉप, मुझे पानी ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का पीला दिखाई दे रहा है। आज तो इस चॉप के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, इसे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है। चॉप तुझे हजार बार ना बोला है कि मेरे पूल में सुसु मत किया कर, अब साफ कौन करेगा। अरे यार ऐसे चिल्लाओ मत, मैंने सोचा पानी के साथ पानी क्या ही फर्क पड़ता है। बेटा इस वाले पानी में और तेरे वाले पानी में रात दिन का फर्क है, अब पूरा पानी मुझे वापस से चेंज करना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, वैसे भी पूल में नहाता ही कौन है, इतने दिनों से तो ऐसा ही पड़ा था। अच्छा मतलब इसके लिए सुसु कर देने का, कुछ दिनों पहले ही मैंने पूल को साफ किया था। अब यार किसका फोन आ रहा है, टोनी। हेलो फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हाँ पर क्यों? यहाँ पर घोस्ट राइडर आया है और वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है। घोस्ट राइडर, उसको मुझसे क्यों मिलना है? उसके पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, तुम बस जल्दी से यहाँ पर पहुँचो। अब यार क्या मुसीबत है, ठीक है चलो आता हूँ। शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, हमें तुरंत टोनी के घर पर जाना होगा, तो दोनों जन जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। वैसे भी गाइस इन दोनों को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकता, आप लोगों ने तो देख ही लिया इन दोनों ने क्या किया। अबे आओगे जल्दी, दोनों के दोनों ढीले ढक्कन है। अरे रुको आ रही है, इतनी भी क्या घाई कर रही हो। टोनी ने जल्दी बुलाया है मुझे, इसलिए मैंने भी तुम दोनों को जल्दी करने के लिए कहा, कुछ गलत बोल दिया क्या? आज आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। नहीं यार चॉप क्या बात कर रहा है, मैं तो कितने प्यारे मूड में हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा ना जब तूने मेरे पूल में सुसु किया, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। इसमें तुम दोनों की आरती उतारू मैं? अरे रुको रुको, मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो, ये गलती तो चॉप की थी, मैंने उसको मना भी किया था। अरे पर तुमने तो पूरा करने के बाद मना किया था, पहला करना चाहिए था ना। चॉप वो तुझे पहले मना करे के बाद में मना करे, तेरे में थोड़ी भी अक्ल नहीं है। अरे छोड़ो फ्रैंकलिन भैया, बहुत हो गया, वैसे भी टोनी भैया का घर आ गया है। हाँ मुझे पता है, सिखा मत, फटाफट उतरो दोनों जन, जल्दी से जाते हैं यार गाइस अंदर। वो रहा टोनी, और घोस्ट राइडर भी इधर ही है, ये तो अपने नॉर्मल फॉर्म में। तुम तो बहुत जल्दी आ गए, मुझे लगा था लेट करोगे। अरे नहीं आज ट्रैफिक थोड़ा कम था इसलिए। चलो बताओ क्या हुआ, मुझे जाके घर पे पूल भी साफ करना है। वो तो तुम्हें घोस्ट राइडर ही बताएगा। हाँ मैं उसी से पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनो, लॉस सैंटोस में इविल स्पिरिट काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैं सबको एक साथ नहीं रोक सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे यार इससे पहले मैं कितनी बार तुम्हारी मदद कर चुका हूँ, तुम्हें मैं ही मिलता हूँ क्या? क्योंकि मुझे पता है ये काम बस तुम ही कर सकते हो, तुम में उतनी काबिलियत है। अबे यार क्या मुसीबत है, अच्छा बताओ क्या करना है। मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा, ये लो। एक मिनट, ये कैसा घोस्ट राइडर है, ये तो सोल्जर ज्यादा लग रहा है। ये लो लेवल का घोस्ट राइडर है, तुम्हें उन इविल स्पिरिट को हराने के लिए इसका लेवल बढ़ाना होगा। अरे पर मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका लेवल बढ़ गया? इस सूट के साथ तुम्हें मिलता है एक लेवल बार, जैसे यहाँ पर लेवल अप होगा तुम भी अपग्रेड हो जाओगे। अच्छा ठीक है, शिनचैन चॉप तुम दोनों यही पर रहना जब तक मैं आ नहीं जाता। चलो यार गाइस अब जल्दी से चलते हैं। देखो अब तक तो सूट को अपग्रेड करने के लिए हमें पैसे चाहिए थे, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बार हमें अपना लेवल ऊपर लेके जाना है। पर यार वो मैं करूंगा कैसे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। एक मिनट, ये कैसी आवाज है, यही कहीं से आ रही है? गाइस जल्दी से जाके चेक करते हैं, ऐसा लगा कोई चिल्ला रहा है। ओह भाई साहब यहाँ पर तो दो चार गुंडे। नहीं 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 उनके सामने नहीं। हाँ चलो, उन्होंने देखा नहीं। एक मिनट, अबे ये तो प्रेसिडेंट का बच्चा जो किडनैप हो गया था। अच्छा तो इन्हीं लोगों ने उसे किडनैप किया है, बेचारा प्रेसिडेंट। हंसना बंद कर और प्रेसिडेंट को फोन लगा। अच्छा ठीक है अभी लगाता हूँ। हेलो प्रेसिडेंट, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुरंत 5 करोड़ रुपए भिजवा दो, जैसे पैसे हमारे पास आएंगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ जाएगा। अरे क्या 2 करोड़? नहीं नहीं नहीं, चाहिए तो पूरे 5 करोड़ ही है। गाइस यार हमें उस बच्चे को बचाना होगा। हे तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है गाइस, ये लोग तो गोलियां चलाने लग गए। अबे यार अभी तक तो मैंने सूट को अपग्रेड भी नहीं किया है, हमें इतनी ताकत नहीं है, ये लोग ऐसे तो मुझे भून देंगे, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या करे क्या करे। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है गाइस, इस सूट की स्पेशलिटी है इसके वेपन्स, आप लोग देख ही रहे हो इसमें बहुत सारे ग्रेनेड भी लगे हुए हैं, हम इससे कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें यहाँ ऊपर जाना होगा क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है गाइस, जो इन लोगों को सबक सिखा सके। हमारे पास है स्मोक ग्रेनेड, पर गाइस इससे हमारा काम बन सकता है। जल्दी जल्दी फेंकते नीचे, 1 2
क्योंकि एक से तो कुछ होगा नहीं। अब धीरे धीरे यहाँ धुआं धुआं हो जाएगा। एक मिनट, ये किसने किया, कौन है यहाँ पर? अब जाके बताते गाइस उनको। वो इसके पास तो छतरी भी है, इससे हमारी अच्छी लैंडिंग हुई। तेरी तो ये ले। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पर मुझे बराबर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऊपर से देख लिया था कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये गया तीसरा वाला भी। चलो फाइनली। अरे नहीं, ये क्या, ये तो हम पर भारी पड़ रहा है, मुझे मदद बुलानी पड़ेगी। हेलो पिंटू, मेरी बात सुन, अपने छोकरे लोग लेके यहाँ पर आ जा, मुझे बहुत सारे लड़के चाहिए, एक जन को टपकाने का है। अबे यार तीसरा वाला कहाँ पर भाग गया? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इस बच्चे की हालत तो खराब लग रही है। एक काम करता हूँ, इसे उठा लेता हूँ कंधे पर, क्योंकि प्रेसिडेंट का बेटा है ना, हमने बचा तो लिया पर किसी ने इसको हमारे साथ देख लिया और इससे कुछ हो गया तो पूरा नाम हम पर आएगा। देख बच्चे, तू यहीं पर खड़े रहना जब तक पूरा मामला ठंडा नहीं हो जाता, यहाँ से हिलना मत। बबलू ने यही का एड्रेस दिया था, वो किसी मुसीबत में है। कहाँ पर है बबलू? मैं लड़के लेके आ गया हूँ। एक मिनट, ये गाड़ी की आवाज कहाँ से आई? जल्दी से जाके चेक करते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो और भी गुंडे आ गए, इनकी तो मैं जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। अच्छा हुआ कम से कम इस सूट में हथियार तो है, वरना हमारी तो बैंड बज गई होती यहाँ पर, सबको धड़ाधड़ मारूंगा। आओ आओ जो भी लाइन में हो। और ये भी गया, यहाँ पर एक और है गाइस, इसको तो ग्रेनेड फेंक के मारूंगा। एक यहाँ पर भी, ये देखो ये देखो। अरे दीदी आपके लिए स्पेशल चीज निकालता हूँ। और ये लो, क्या उड़ के गई है। वहाँ पर भी एक छुप के बैठा है, अब नहीं छुप पाएगा। एक यहाँ पर भी है। ओ ये तो इस बार ही आ गया। और कोई बाकी है? यहाँ पर है गाइस। भाई साहब एक मिनट, किसी ने हम पर अटैक किया, पर यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सबको तो मैंने मार ही दिया है। एक मिनट, वो रहा गाइस, यार वो तो भाग रहा है, रुक जाता कहाँ पर है? मुझे लग रहा है यही वो मेन गुंडा है, इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। अबे नहीं, अब कैसे करेंगे, वो तो गाड़ी लेके भाग गया, मुझे उसका पीछा करना होगा। यहाँ पर एक गाड़ी है, देखो मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन है। जल्दी जल्दी लेके निकलते इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा दूर निकल जाए। कहाँ तक भागेगा मुझसे? कहाँ गया अभी तो यही पर था यार, मुझे लगता है इस साइड गया होगा। यही है गाइस, यही है उसकी गाड़ी। अबे नहीं नहीं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही, ऐसे तो नहीं रुकेगा। एक काम करता हूँ, उसके टायर पंचर कर देता हूँ, यही सबसे ठीक रहेगा। एक तो पंचर हो गया और एक गया दूसरा भी, अब कहाँ जाएगा भाग के? चलो गाइस, बिना टायर के कहाँ तक जाएगा, इसको यही पर रुकना पड़ा। अब बताते हैं इसको, अब ये बचेगा नहीं। और ये गया, इसके तो चीतड़े चीतड़े हो गए, मानना पड़ेगा। वैसे गाड़ी काफी ज्यादा मजबूत थी, इतनी गोलियां मारी है मैंने उस पे, अब जाके ब्लास्ट हुई है ये, वो भी मिसाइल लॉन्चर से। वाह तुमने कमाल का काम किया। एक मिनट, ये किसकी आवाज है? हाँ तो पीछे से रही हो, यहाँ पर तो पुलिस पहुंच गई और इन्होंने उस बच्चे को वहाँ से निकाल लिया। वैसे बचाया तो मैंने था यार, पता नहीं उसका क्रेडिट देंगे भी या नहीं मुझे। तुमने मेरे बेटे को बचाया है, इसने मुझे बताया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, किसी दिन मेरे मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना। अरे अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा काम था। चलो गाइस कम से कम क्रेडिट तो मिला। एक मिनट, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, हमारे लेवल का बार ऊपर हो गया गाइस, ज्यादा नहीं हुआ पर थोड़ा तो हुआ। अबे यार हम लोग तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गए। चलो अब जाके थोड़ा घोस्ट राइडर लग रहा हूँ मैं, फटाफट अब गाड़ी में बैठते और यहाँ से निकलते हैं। वैसे गाइस एक चीज, हम लोग घोस्ट राइडर तो बन गए पर हमारी बाइक कहाँ पर है? हमें उसे ढूंढना होगा। पर यार मैं ढूंढूंगा कहाँ पर? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक जगह है जहाँ पर सारी चीजों की डिटेल होती है गाइस, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता लग सकता है कि हमारी बाइक कहाँ पर है। चलो गाइस पुलिस स्टेशन तो पहुँच गए, अब यहाँ अंदर बहुत ध्यान से जाना होगा क्योंकि अगर इनको शक हो गया कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए, वैसे हम लोग कोई गलत काम करने तो नहीं आए पर ये लोग हमें करने नहीं देंगे क्योंकि ऐसे ही पुलिस थोड़ी सबको इन्फॉर्मेशन बांटती फिरेगी। अब यार सामने ही पुलिस वाले हैं, इनको भी गेट पर ही खड़े रहना था। चलो कोई नहीं, हम लोग आराम से ऐसे जाएंगे जैसे रिपोर्ट लिखवाने जा रहे। ला 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 ला। हे वहीं पर रुक जा, लगता है देख लिया गाइस। हाँ ऑफिसर बोलिए क्या हुआ? तो अंदर कहाँ चले जा रहा है, क्या करने आया यहाँ पर? अरे यहाँ पर क्या करने आते, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, वो मेरी बिल्ली गुम गई थी, दो दिन से मिली नहीं रही है। अच्छा ठीक है, पर जल्दी रिपोर्ट लिखवा और निकल यहाँ से, बिल्ली घूमने की कंप्लेन लिखवाएंगे, पुलिस को और कोई काम नहीं है। अरे पर वो भी तो जानवर है ना। चलो यार गाइस परमिशन तो मिल गई, अब चुपचाप से अंदर जाते और बहस नहीं करेंगे वरना ये लोग धक्के मार के बाहर निकालेंगे। अबे नहीं, जहाँ पर फाइल रखी हुई है वहाँ पर तो लेडी ऑफिसर है, इसको थोड़ी देर बेहोश करना पड़ेगा। और ये गई। चलो भाई साहब, गाइस यार यहाँ तो बहुत सारी फाइल्स है, कैसे पता करूं मेरी बाइक के बारे में, कोई तो शॉर्टकट हो। एक मिनट, इनके कंप्यूटर में भी पूरी डिटेल होती है, इसमें सर्च करके देख लेते हैं। घोस्ट राइडर बाइक, सर्चिंग 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 सर्चिंग, मिल गई लोकेशन। ओए बचाओ, यहाँ पर घुसपैठिया घुस आया है और वो इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है। अबे नहीं, ये इसने क्या किया, इसने तो बाकी पुलिस वालों को बुला लिया। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुसीबत हो जाएगी। अबे नहीं, वो लोग तो पहुँच गए लगता है, जरा देखो तो सही बाहर ही है। और अभी अंदर आ गए। अबे नजदीक का आ रहा है, तेरी तो ये ले। और ये गया, मुझे माफ कर देना यार, मेरा ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर अगर मैं पकड़ा गया ना तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और
अब तो मैंने एक दो पुलिस वालों को मार भी दिया है, और गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात को समझो, मैं देश के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे जिसको हराना है तुम लोग उसको वैसे भी नहीं हरा पाओगे, तो मुझे यहाँ से जाने दो। भागो 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 भागो, अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे आग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सब कुछ जला के खाक कर दूंगा ताकि ये लोग थोड़े डर जाए और मैं यहाँ से निकल पाऊँ। ओह ये देखो मिलिट्री भी पहुंच गई। इतना भी बड़ा क्या क्राइम कर दिया मैंने, बस एक बाइक की लोकेशन ली थी यार। इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, इनको लग रहा है मैं कोई क्रिमिनल हूँ। बाहर उस ऑफिसर को भी हम पर शक हो गया था। चलो गाइस, यहाँ तो मामला ठंडा हो गया है, वैसे देखा जाए तो मामला गर्म हुआ है। चारों बाजू तो आग ही आग थी। अब फटाफट यहाँ से निकलते इससे पहले कि और पुलिस वाले आए। हमें जाना है सीधा बाइक की लोकेशन पर, और वो यहाँ से काफी दूर है। हमें पहुँचते पहुँचते एक दो घंटे लग जाएंगे। जल्दी जल्दी गाड़ी को भगाता हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो चल 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 निकल। देखो गाइस, लोकेशन तो यही कहीं की आ रही थी और यहाँ पे आके तो खत्म ही हो गई। यहाँ पर एक घर है, काम करता हूँ इनसे जाके पूछता हूँ, कहीं इन्होंने मेरी बाइक देखी होगी। तो उसके लिए तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। चलो चलते यार, डर के क्या ही होगा, आखिर में तो बाइक चाहिए ही। हेलो, कोई है अंदर? घर है के कबाड़ है यार। हेलो, मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं है, लगता है बाप बेटा है। अरे अंकल मेरी बात सुनो ना, ये फोटो देखो, मैं इस बाइक को ढूंढ रहा हूँ, आपने कहीं पर देखी है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, हमने ये बाइक कहीं पर नहीं देखी, हमारे तो पूरे गाँव में ही बाइक नहीं है, तुम्हें कहीं और जाके ढूंढना चाहिए। अरे पापा क्यों झूठ बोल रहे हो, ये बाइक तो हमारे वेल हाउस में ही तो है, वो या बादू में ही है, वो बहुत मत बाइक है अंकल। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? अरे अंकल आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, मतलब आप ही वो चोर हो? अभी कभी यहाँ से चला जा वरना गोली से छल्ली कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अबे यार ये कैसा जुल्म है, मेरी बाइक लेके मुझी को गोली मार रहा है वो। भरोसे ही उठ गया यार, चोरों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फटाफट यहाँ से निकलना होगा। एक मिनट, ये कैसी आवाज आ रही है? अबे नहीं, ये तो मॉन्स्टर ट्रक लेके हमारे पीछे आ गया। इससे पहले ये मेरे पे गाड़ी चलाए मुझे उस बाइक को ढूंढना होगा। नहीं नहीं नहीं, बीच में से होके निकल जाता हूँ। चलो वो वहाँ पर टकरा गया है। भाग 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 भाई, अब तो जान पे बनाई है। चलो इसके अंदर घुस गया, अब कैसे आएगा भाई, अब तो हम लोग निकल ही जाएंगे। गाइस उसने गेट तोड़ दिया, मैं भी भूल गया यार, उसके पास मॉन्स्टर ट्रक है और वो भी ऐसा मॉडिफाई किया हुआ। यहाँ से होके निकल जाता हूँ, बीच बीच में से होके निकलना पड़ेगा वरना तो वो हमें पकड़ ही लेगा। फिलहाल तो हमारे बाजू में चल रहा है। नहीं नहीं, ये भी तोड़ दिया उसने। भाग 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 फ्रैंकलिन, नहीं तो ये तेरा घोस्ट और राइडर दोनों अलग कर देगा। मुझे यहाँ से होकर जाना चाहिए। अबे यार इसको प्रॉब्लम क्या है, मेरी बाइक है वो। चलो गाइस इसने यहाँ पर ठोक दी है गाड़ी, हमारे पास यही चांस है। मुझे लग रहा है यही वो वेयर हाउस होगा जिसके बारे में बच्चा बात कर रहा था। गाइस ये रही हमारी बाइक। चलो अब जल्दी से जाके इस पे बैठते हैं। अब जाके लग रहा है मैं घोस्ट राइडर बनाऊं। ये देखो अंकल फिर से आ गए। अरे जनाब दूर हो जा, फालतू में क्यों जल के खाक होना चाहते हो, मजे करो अभी। कब से सोच रहा था पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर इसने मुझे मजबूर कर दिया, आप करो मजे। ओ गाइस एक मिनट, हमारे लेवल का बार तो और भी ज्यादा बढ़ गया है, शायद मैंने ये बाइक हासिल की है इसलिए। तो अब टाइम है सूट को अपग्रेड करने का। जल्दी से देखते इस बार कौन सा सूट मिलेगा। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो ये तो घोस्ट पैंथर है, या फिर पैंथर घोस्ट, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर ये सूट काफी ज्यादा खतरनाक है। और जरा देखो तो सही, इस सूट के बाद अपनी बाइक में भी आग लगनी शुरू हो गई है, दोनों टायर में से आग निकल रही है। लेवल के साथ अपनी पावर्स भी बढ़ रही है गाइज। अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास करने का और भी बहुत कुछ है, ऐसे थोड़ी सूट को और अपग्रेड करेंगे। अबे यार जिसके भी पास से जा रहा वो गाड़ियां ब्लास्ट हो रही है, इस सूट में कमाल की पावर है यार, मजा आ गया। और इन सबको करके थोड़ा थोड़ा लेवल मेरा और अप हो रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपना लेवल अप होता रहे। एक मिनट, ऐसा लग रहा है यहाँ पर रेस होने वाली है। गाइज मुझे लगता है ना मुझे भी इसके अंदर पार्ट लेना चाहिए, इससे हमारा लेवल और बूस्ट हो सकता है, पर उसके लिए मुझे नॉर्मल होना होगा। अब इन पावर्स के साथ तो ये लोग मुझे पार्टिसिपेट करने देंगे नहीं। चलो अब जाते वहाँ पर, यहाँ पर एक चाचा खड़े, उनसे ही जाके पूछ लेता हूँ वो हमें इसके अंदर हिस्सा लेने देंगे भी या नहीं। अरे अंकल मेरी बात सुनो ना, क्या मैं इस रेस के अंदर पार्ट ले सकता हूँ? इसके अंदर कोई भी पार्ट ले सकता है, पर शर्त ये है कि तुम्हारी बाइक यूज करनी होगी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो गाइस परमिशन मिल गई, जल्दी से जाके खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पर रेस शुरू होने ही वाली है। 3, 2, 1। अबे ये कुछ जल्दी निकल गया, आप लोग देख रहे हो इसने क्या स्पीड पकड़ी है, ये मुझे सबसे ज्यादा तगड़ा राइडर लग रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग तो पीछे छूट गए। नहीं एक और बाजू में आ गया है, लगता है गाइस मुकाबला टक्कर का होने वाला है। ओहो सब लोग नजदीक आ गए यार, क्या मुसीबत है। चल मेरी धन्नो फटाफट चल। अबे यार ये लोग क्या आगे जा रहे हैं, ये वाला तो हमें टक्कर मार के गया है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले इसको पीछे करना है। इसको पीछे करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है गाइस, क्योंकि ये बार बार हमसे आगे निकल जाता है, और अब तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है। कोई नहीं, बाइक को थोड़ा सा और स्पीड करना होगा। अगर इसी जगह पर हमारे पास घोस्ट राइडर की पावर होती ना, तो अभी तक तो इसको कब का पीछे कर दिया होता मैंने। बिना पावर के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओहो आगे का रास्ता यहाँ से, अच्छा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। ओहो अबे ऐसी जगह पर भी कितनी स्पीड चला रहा है वो, मानना पड़ेगा उसको, कमाल का राइडर है यार, मैं तो उस लाल वाले को सबसे अच्छा समझ रहा था। ये देखो एक और है हमारे पीछे, अब यार उसको भी आगे जाने नहीं दे सकते, इस रास्ते से थक गया हूं मैं, या मुझे जम भी नहीं रहा है। ओहो क्या जम मारी है मैंने यार। चलो फाइनली रास्ते पे आए हम लोग, अब यहाँ से लेफ्ट जाना है। अबे
तेरी तो हट, उसको तो टक्कर मार मार के पीछे करना होगा। जाता का है गाइस, गाइस यही मौका है, हम लोग उससे आगे निकल गए। क्या बात है यार, बहुत कम रास्ता बाकी है, हम लोग जीत सकते हैं अभी भी। कमोन कमोन, बस थोड़ी देर के लिए, यही पर फिनिश लाइन है। और ये मैं जीत गया, क्या बात है यार, हम लोगों ने कर दिखाया गाइस, फाइनली हम लोग जीत चुके। और आप लोग देख रहे हो मेरे लेवल का बार ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। जल्दी से बाइक से उतरता हूं यार, क्योंकि कुछ ही देर में हमारा सूट अपग्रेड हो जाएगा, हम लोग उस लेवल तक पहुंच गए। तो जल्दी से देखते हैं इस बार हमें क्या मिलता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। ओ, एक इविल घोस्ट राइडर, वैसे तो घोस्ट राइडर इविल ही होता है। अबे यार बाइक कहां पर गई, फिर से बुलानी पड़ेगी। ओहो, सूट के साथ हमारी बाइक का भी लेवल अप हो गया है, जरा देखो तो सही कितनी ढासू लग रही है। अब जल्दी से बैठते इस पे और निकलते यहाँ से, क्योंकि हमें सूट को और भी अपग्रेड करना है। एक मिनट यार, किसका कॉल आ रहा है? टोनी। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, हमें उस डॉक्टर की लोकेशन मिल गई है जिसने ज़ॉम्बी वायरस फैलाया था। क्या बात कर रहा है, अच्छा ठीक है मैं उसे पकड़ने जाता हूँ। नहीं नहीं, उससे पहले एक और गड़बड़ हो चुकी है, हल्क ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस चुका है। तुम्हें सबसे पहले जाके उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना ज़ॉम्बी उसे कभी भी काट सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। गाइस यार हम लोग उस लोकेशन पर तो पहुँच गए जहाँ पर हल्क होना चाहिए, यहाँ तो बस ज़ॉम्बी है। वो रहा हल्क, घोस्ट राइडर हल्क को बचाओ, हल्क यहाँ पर फंसा हुआ है, जल्दी से पीछे जाके छुप जाता हूँ। सारे ज़ॉम्बी का ध्यान घोस्ट राइडर की तरफ है। गाइस ये सब हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, हटो यार यहाँ से। चलो एक बात तो अच्छी है, हमारी बाइक इतनी ज्यादा तगड़ी है ना, हमें नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। और आप लोग देख रहे हो इसी के साथ हमारा लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर हो रहा है। चलो ये तो और अच्छी बात है, इन ज़ॉम्बीज़ को जल्दी से जल्दी निपटाता हूँ, जला जला के खाक कर देंगे हम सबको। घोस्ट राइडर की आग के सामने कोई नहीं टिक सकता। क्या आपके गोले फेंकती है, और ये भी गई उड़ के, यहाँ पर बस थोड़े बहुत बाकी है। अरे अरे दीदी कहाँ चली, ये तो सीधा परी बन गई पापा की। ये देखो चलता हुआ भी भाग रहा है, हट तेरी की। गाइस मुझे लगता है मैंने सबको निपटा दिया है, पर हल्क कहाँ पर है, अभी तो यहीं पर था हल्क। मैं कहाँ गया, मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, वही रुक मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी जाते उसके पास, छुप के बैठा है यहाँ पर। तू ठीक तो है ना, किसी ने काटा वाटा तो नहीं? मैं थोड़ा सा डर गया था, वरना अगर ये हल्क बन जाता गाइस तो इसको कौन संभालता, ये नॉर्मल होता तब कोई नहीं संभाल पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हल्क की मदद की। अरे नहीं नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, मैं उस डॉक्टर को ढूंढने आया था पर वो मुझे मिला ही नहीं। मुझे उसकी लोकेशन पता है, तुम एक काम करो मेंशन पर जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। गाइस यार अब चलते सीधा उस डॉक्टर के पास, टोनी ने मुझे उस डॉक्टर की लोकेशन भेजी है, वो ह्यूमन लैब के आसपास है, तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे ह्यूमन लैब पर। देखो ह्यूमन लैब तो हम लोग पहुँच गए हैं, अब हमें बस उस डॉक्टर को ढूंढना है। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जरूर आगे होगा। हाँ वैसे गेट पे थोड़ी ना खड़ा रहेगा, वॉचमैन थोड़ी है, साइंटिस्ट या डॉक्टर है भाई। गाइस यार कहीं दिखा तो नहीं, कहाँ पर छुप के बैठा है डॉक्टर? मैं यहाँ पर हूँ। एक मिनट, ये आवाज तो बुरा, छत पर बैठा है, मतलब के खड़ा है, हिम्मत है तो नीचे। तुम्हें क्या लगा था तुमने मुझे ढूंढा है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था, अब तो तुम गए। प्लान का हिस्सा मतलब क्या है तुम्हारा? अभी तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आग बुझने वाली है। जरा अपने लेफ्ट में देखो। कहा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। लेफ्ट में बोला है घोचू। ओके, अबे ये क्या है, इतने बड़े बड़े पाइप्स? अबे नहीं, ये कैसी आवाज है, इसमें से तो पानी आ रहा है। अबे नहीं नहीं, ये इसने क्या किया गाइस, मुझे इतना कमजोर महसूस क्यों हो रहा है? अबे नहीं, अपना तो लेवल पूरा ही गिर गया, इसने हमारी आग ही बुझा दी है। ये तूने क्या किया, तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। तुम्हें पता नहीं है अभी मैं कौन हूँ, रुको अभी अपना असली रूप बताता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तुम तो आज मर जाओगे घोस्ट राइडर। अबे नहीं नहीं, ये तो राइनो निकला यार, क्या मारा है, ऊपर से शॉक भी दे रहा है। अबे रुक जा, एक तो इसका पैर इतना भारी है यार, फुटबॉल थोड़ी हूँ, थोड़ी देर शांति दे, कुछ तो सोचना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, और वो भी राइनो के हाथ। भाग 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 फ्रैंकलिन। वो भाई साहब, अबे थमेगा, कुछ डील विल कर लेते हैं। यहाँ पर कोई डील नहीं होगी, मैं तुम्हें मारूंगा और तुम मरोगे, अब ये लो। गाइस यार क्या उठा के फेंका यार। एक मिनट, आइडिया, उसने पानी डाल के हमारी आग बुझाई थी, और सामने जो चीज पड़ी है वो फ्लेमेबल है, अगर हम इसकी आग का इस्तेमाल करें तो शायद हमारी आग वापस आ जाए। जल्दी से गाइस गन निकालता हूँ और इनमें छेद करता हूँ। गाइस आग तो निकल रही है, चलो मुझे लगता है ये हमारे काम आ सकता है, यहीं पर खड़े हो जाता हूँ, काश के हमारी पावर वापस आ जाए यार। ओहो, और जरा देखो तो सही, हमारा लेवल वापस से थोड़ा बढ़ गया, और हमारी आग भी वापस आ चुकी है। अब तू नहीं बचेगा राइनो, बचोगे तो तुम नहीं। थोड़ा सा भारी पड़ेगा गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी है, पर कोई नहीं, जीत नहीं पाएगा। अबे यार क्या मार रहा है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारी मौत आज निश्चित है। अबे ऐसे कैसे निश्चित है, ये ले, मेरे आग के गोले के सामने तो कुछ भी नहीं है। गाइस अबे नहीं नहीं, उठ गया, मुझे लगा था नहीं उठेगा, कोई नहीं फिर से सुला देते हैं। क्या फेंका है मैंने इसको। गाइस मुझे नहीं लगता अब ये उठ पाएगा, फाइनली इसे हरा दिया यार, इसलिए ज्यादा बड़े बड़े बोल बच्चन नहीं करने चाहिए, किस्मत कभी भी पलटी मार जाती है। गाइस यार इसके साथ हमारा लेवल और अप हो गया, इसका तो एक ही मतलब है, हमारा सूट अपग्रेड होने वाला है। जल्दी से देखते कौन सा सूट मिलेगा यार। ओ ये वाला काफी अलग है, जल्दी से अपनी बाइक बुलाते हैं। और ये आई, एक तो मुझे बाइक बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। एक मिनट गाइस, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लैक हार्ट हमारे काफी आसपास है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, अब तो हम लोग ने अपग्रेड भी कर लिया है, हमारा लेवल काफी अप है, इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे, हम
लोग अपने मैक्स लेवल पर है। पहुँचते पहुँचते रात हो गई यार, मुझे तो लगा था पास में ही होगा। मतलब इस सूट में कमाल की पावर है, मैं इतने दूर से उसको महसूस कर पाया। हो सकता है वो रावा बीच में खड़ा है। ब्लैक हार्ट देख कौन आया। अब गाइज आपकी मदद से इसके ब्लैक हार्ट को और ब्लैक कर देंगे। कैसा है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और शायद इसके बाद वापस नहीं मिल पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुमसे मैं डरता हूँ? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। देख सबसे पहली बात तो तू ये डिसाइड मत कर। डिसाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे पहले से पता है। रुको अभी बताता हूँ। ये लो यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ चूस लूंगा। अबे पर ऐसे ऐसा लग रहा है पप्पी कर रहा है। बहुत मजाक सूझ रहा है ना, जल्दी बोलती बंद होगी। अबे रुक रुक, धुएं में बदल के जाता कहाँ पर है। एक तो ये लोग ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेरा दिमाग खसक जाता है। अब इनको बताता हूँ। गाइज अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और ये ले, लग गई ना वाट। गाइज यार फाइनली हमने इसको हरा दिया है। जरा देखो तो सही कैसे कोने में पड़ा है। तो अब हम लोग भी जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जो काम हमें करना था हमने कर दिया है।